देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज है? अब हम गैसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने गैसेस का एवरेज प्रेशर निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली, एनर्जी निकाल ली गैसेस की, मॉलिक्यूल की भी, मोल की भी। अब एक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ गैसेस का नहीं होता, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक जनरलाइज टर्म है। जैसे मैं आपके लिए डिफाइन करता हूँ, एक स्टूडेंट है, इसके पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है यार, तू एक काम कर, तू तू मोबाइल फोन भी एप्पल का रख, ठीक, तेरी आज़ादी। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कितनी आज़ादी है तेरी, किस हद तक आज़ादी है। तू मोबाइल फोन भी रख एप्पल का, तू ऐप व्हाट्सएप जितना मर्जी यूज कर, तेरे को पैसे चाहिए पैसे भी ले ले, और डिग्री ऑफ फ्रीडम। तेरे को बाइक चाहिए, तेरे को बाइक दिलवा देते हैं, और डिग्री फ्रीडम, आज़ादी और दे रहे हैं। तू टीवी जितना मर्जी देख, और आज़ादी है। तू कहीं दोस्तों के साथ जाना चाहता है तो वहां जा, और आज़ादी है, आज़ाद है ये बंदा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हाई है। अब एक हमारे जैसे लोग हैं, पेरेंट्स कहते हैं भाई तू ना टीवी देखेगा, ना फ्रेंड से मिलेगा, प्लस वन प्लस टू में कुछ भी नहीं करेगा, बस तू सिर्फ पढ़ेगा, तो तेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम में जीरो तो नहीं होती किसी की, थोड़ी आज़ादी तो होती है, तो लो है। हाँ, वन लगा लो, जो भी लगा लो, लो है। पॉइंट समझ में आया, डेफिनेशन है। ओके, सेकेंड सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज करो एक रोबोट बनाया किसी इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसकी जो आर्म है वो सिर्फ एक एक्सिस में मूव कर सकती है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है। किसी ने बनाया वो दो में मूव कर सकती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है। किसी ने बनाया वो किसी भी एक्सिस में मूव कर सकती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और ज्यादा है। तो देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन कर रहे हैं अलग अलग टर्म के लिए। अब गैस पे आ जाते हैं, मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, या एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कॉन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम कंप्लीटली। नहीं आएगा समझ? ठीक, तो आसान तरीके से समझते हैं इसको, फिर बाद में समझते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी गैस की कैसे डिफाइन की जाती है? एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जीज हो सकती हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि वो रैंडम मोशन में जब होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी हाई है। अगर मान लो मॉलिक्यूल की एनर्जीज कम है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है। अब एक काम करते हैं, पहले डिफाइन करते हैं कि डिग्री एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी हो कितनी सकती है। पहली एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरी एनर्जी है रोटेशनल मोशन, क्योंकि मॉलिक्यूल घूम भी सकता है रैंडम मोशन में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तीसरी है वाइब्रेशन मोशन, जब बहुत हाई टेम्परेचर होते हैं 5000 केल्विन, तो उस केस में वो वाइब्रेट भी कर सकता है, वाइब्रेट भी कर सकता है, तो उसकी तीसरी एनर्जी है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो तीन एनर्जीज इसमें एग्जिस्ट कर सकती हैं। यहां तक क्लियर है? अब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बना के दिखाता हूं, एक सेकेंड। ठीक, तो तीन एनर्जीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, एक ट्रांसलेशन की, दूसरी रोटेशन की, और तीसरी वाइब्रेशन की। ठीक है, चलो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं मोनोटॉमिक गैस की। इस पूरे को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो याद करने वाला चीज होगी मैं आपको बॉक्स में मार्क करवा दूंगा, बस सारा नहीं करना। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस की ध्यान से देखना है। मोनोटॉमिक गैस में सिर्फ एक एटम है, एक एटम किसी भी एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट कर सकता है, एक्स में भी, वाई में भी, और जेड में भी। तो उसके पास तीन ट्रांसलेशन एनर्जीज पॉसिबल हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके पास कम से कम तीन काइनेटिक एनर्जीज एक्स, वाई और जेड में पॉसिबल है। तो तीन ट्रांसलेशन की वजह से उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम से कम तीन तो है ही है। अब वो एटम क्या कर सकता है, वो रोटेट भी कर सकता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, घूम भी सकता है, पर एटम का साइज इतना छोटा है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निग्लेक्टेड रहता है, इसलिए उसकी रोटेशन एनर्जीज हम कंसिडर नहीं करते। तो मिन और वाइब्रेशन तो 5000 केल्विन पे होता है, तो कभी भी नहीं लेते, तो इस वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहती है इसमें, सिर्फ तीन। आपने ये याद रखना है कि मोनो अटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, तीन। बस कैसे आई ये आपसे पूछा नहीं जाता, वो मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि कैसे आई। तो मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन। एग्जाम्पल चेंज करते हैं, डायटॉमिक गैस। डायटॉमिक गैस में दो एटम है और एक ये बॉन्ड बीच में बना हुआ है। अब ये रैंडम मोशन में कैसे भी मूव कर सकता है, तो तीन एक्सिस में ट्रांसलेट तो ये भी कर सकता है, तो इसकी कम से कम तीन एनर्जी ट्रांसलेशन की तो ऐड होगी होगी। और अब ये रोटेट भी कर सकता है। अब जब ये रोटेट करेगा, या तो एक्स वाई प्लेन में करेगा, या वाई जेड में करेगा, या जेड एक्स में करेगा, तो एट अ टाइम दो एक्सिस कवर करेगा, तो इसलिए इसकी दो रोटेशन पॉसिबल है। तो इस वजह से क्या होगा, यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पांच।
क्लियर है यहां तक? वाइब्रेशन तो ये करता नहीं। तो फिर दूसरा रिजल्ट याद करो, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस की कितनी? 5। मोनोटोमिक गैस की कितनी? 3 और 5। सबसे ज्यादा काम आने वाली ये 3 और 5 ही है। नेक्स्ट है ट्राइटोमिक गैस। ट्राइटोमिक गैस देखने में या तो ऐसी होगी या ऐसी होगी। तो अगर तो ऐसी है तो इसमें 3 ट्रांसलेशन की तो ऐड कर ही दो, और रोटेशन में जब ये रोटेट करेगा तो ये 3D में रोटेट करेगा। सोचो ये प्लेन है पूरा, ये प्लेन जब रोटेट करेगा तो तीनों एक्सिस में रोटेट करेगा, तो इसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन की ऐड होगी, तो कुल मिलाकर कितनी? 6। और लेकिन अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर है तो ऐसे स्ट्रक्चर में ट्रांसलेशन की 3, रोटेशन की सिर्फ 2, क्योंकि ये 2D में मूव करेगा, जब रोटेट करेगा 2 ही एक्सिस कवर करेगा, रोटेशन में 3 नहीं कर सकता। तो अगर ये स्ट्रक्चर है लीनियर तो 5, और अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो 6। तो याद करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटोमिक गैस की 3, डायटोमिक गैस की 5, और ट्राइटोमिक गैस अगर ट्राइंगल शेप है तो 6, अदरवाइज 5। बस यही याद करना है। अब कई बुक्स कहती हैं ऑल्टरनेट मेथड सीख लो, सीखना है सीख लो, नहीं सीखना कोई बात नहीं। ऑल्टरनेट मेथड एक लाइन में वो कह रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये फॉर्मूला यूज कर लिया करो। फॉर एग्जाम्पल मोनोटोमिक गैस है, ध्यान आगे मोनोटोमिक गैस है, मोनोटोमिक गैस में एन का मतलब नंबर ऑफ एटम, मोनोटोमिक गैस में एन क्या होता है? 1। के का मतलब बॉन्ड, बॉन्ड कैसे बनाएगा मोनोटोमिक, एक तो एटम है तो के क्या? 0। आंसर देखो 3 आएगा। डायटोमिक में नंबर ऑफ एटम कितने? 2, और बॉन्ड कितना? 1, के की जगह 1। आंसर देखो आ गया 5। ठीक। तीसरा ट्राइटोमिक में नॉन लीनियर में नंबर ऑफ एटम 3, बॉन्ड इसमें बने हुए हैं 3, तो के की जगह भी 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। और लीनियर में एन कितना? 3, और बॉन्ड कितने बने हुए? 2। आंसर इज 5। तो मैं मत आपकी मर्जी है, आप बस ये याद करो 3 और 5 है उतना सफिशिएंट है। ठीक। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर वाइब्रेशन की एनर्जी ऐड करने को बोल दे किसी भी, तो उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन की 2 ऐड करनी है, 1 नहीं ऐड करनी, क्योंकि वाइब्रेशन में काइनेटिक भी हो जाती है और पोटेंशियल भी चेंज होती है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है मेंस में कि एक क्वेश्चन आया, उसमें बोला कि वाइब्रेशन की एनर्जी भी लो, तो वाइब्रेशन की वजह से अगर मोनोटोमिक गैस है उसमें तो वाइब्रेशन होती नहीं, डायटोमिक में, डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5, और अगर उसमें वाइब्रेशन की ऐड करनी है तो 2 ऐड कर देना, आंसर क्या आएगा? 7। ये याद रखना है और कुछ नहीं करना, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम याद होनी चाहिए इसमें, दैट्स इट।